हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी और बच्चों की भी और बड़ों की भी मनपसंद रेसिपी लेके आए हैं। ये है वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन बनाना बहुत ही इजी है और ये जितना इजी है उतना ही खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ डाला है। वेजिटेबल्स लिए मैंने, यहाँ पर एक कटोरी मैंने गाजर लिए, फाइनली चॉप कर लिए इसको। एक कटोरी मैंने बीन्स लिए, इसको भी फाइनली चॉप कर लिए। एक कटोरी मैंने कॉलीफ्लावर का लिए, इसको भी फाइनली चॉप कर लिए। और छोटा सा मैंने एक प्याज लिए, उसको बारीक काट लिए। और ये अदरक, इसको ग्रेट कर लिए बारीक। लहसुन काट के लिए है मैंने, 5-6 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। और ये 2 हरी मिर्च ली हैं मैंने। ये मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का लिए, 2 टेबलस्पून मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है। तो इसको हम एक आधा छोटा चम्मच ज़्यादा भी कर सकते हैं इसका, कॉर्नफ्लावर या ऑल पर्पज़ फ्लावर का। हम मिक्स करने के बाद इसको चेक करेंगे। और ये आधा छोटा चम्मच मैंने नमक का लिया है, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च का लिया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आइए अब सबको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने मिक्सिंग बोल लिया, इसमें मैं ये सारी सब्जियाँ डाल दूंगी। अब इस सारे मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है। पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाए तो फिर हम थोड़ा सा पानी डाल भी सकते हैं। अगर आपकी सब्जियों में ज़्यादा पानी हो तो आप पानी को निचोड़कर सब्जियों को थोड़ा फिर से ही डालें, और वही पानी निकला हुआ सब्जियों का हम ग्रेवी में, इसकी जब हम इसकी सॉस बनाएंगे तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम हाथ से ही कर लेते हैं। ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से बॉल बना लेंगे और हम इस तरह से सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। अगर आपके हाथों को ये चिपके तो आप थोड़ा पानी का हाथ लगा सकते हैं, थोड़ा हाथ पे पानी लगाकर सारी बॉल्स इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, ये सारे बॉल्स हमने बना लिए, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब ये मैंने ऑयल इसमें गरम कर लिया, अब इसमें मैं ये बॉल्स डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए, अब ये हमारे हो चुके हैं हाफ फ्राई। अब हम इसको निकाल देते हैं और दूसरे के भी डालकर इसी तरह से निकाल लेंगे। अब ये सारे मंचूरियन मैंने हाफ फ्राई कर लिए, इनको डबल फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद ये ठंडे हो जाएं, फिर दोबारा से इसको फ्राई करेंगे। इतनी देर में हम इसकी सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अदरक लिए, छोटा चम्मच अदरक का ग्रेट करके ले लिया। एक 5-6 कलियाँ मैंने लहसुन की लिए, एक छोटा प्याज लिए और एक मैंने आधी मैंने शिमला मिर्च ली। अगर शिमला मिर्च छोटी हो तो आप एक भी ले सकते हैं। थोड़ा सा धनिया लिए गार्निशिंग के लिए, और इसमें मैं थोड़ा सा सिरका डालूंगी, सॉस डालूंगी, टोमेटो सॉस डालूंगी, सोया सॉस डालूंगी, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। इधर ये मैंने पैन लिया, गैस जला दिया मैंने, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम इसमें, थोड़ी सी इसमें हींग डाल देते हैं। ये मैंने आपको पहले दिखाई नहीं है, लेकिन इसमें डाल दे तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। इसमें अब हम ये लहसुन डाल देंगे, साथ ही ये अदरक भी डाल दूंगी। अच्छी तरह से सौते कर लेंगे इसको। ये हमारे अदरक लहसुन हो चुके हैं, तो अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं।
साथ ही हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, 1/4 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाला है। नमक नहीं डाल रही इसमें मैं, क्योंकि हमारी सॉस में नमक होता है। अब हम सॉस डालेंगे, और चिल्ली सॉस में नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैंने लाल मिर्च डाल दी है। अब पहले इसमें सोया सॉस डाल देते हैं, लगभग 1 टेबलस्पून मैं सोया सॉस डाल रही हूँ इसमें। 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें टमाटो सॉस डाल रही हूँ। तो इसमें हमने चिल्ली सॉस नहीं डाली है इसलिए मैंने मिर्च डाल दिया। अगर आपके पास चिल्ली सॉस हो तो आप वो डाल दें, और मिर्च बेशक ना डालें। इसको हम स्लो पर कर देते हैं, इधर हमारी सॉस होती है उधर हम मंचूरियन को डबल फ्राई कर लेते हैं, फिर इसमें डाल देंगे। अब इसको हम डबल फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे हो चुके हैं। अब हम निकाल कर इसको ग्रेवी में डाल देते हैं, जो हमने थोड़ी सी ग्रेवी बनाई है। वैसे तो हमारा ये ड्राई है, इसमें डाल देते हैं। अब दूसरे भी हम इसी में डाल देते हैं निकाल के। देखिए ये हमारे ड्राई मंचूरियन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम ऊपर से गार्निशिंग करते हैं धनिया के साथ। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा स्वादिष्ट ड्राई मंचूरियन बनकर तैयार हो चुका है। ये मैंने बिना किसी कलर के बनाया, तो इसमें आपको भी कलर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सिंपल वे से बनाएं और अच्छे से टेस्ट वाला मंचूरियन बनकर तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और बनाकर ज़रूर देखें घर में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।